पिलामाने रश्मि सार ए टू जेड यूट्यूब चैनल रे मु रश्मि सार तुम समस्त को स्वागत करुछि। गत क्लास रे आमे एलिजाबेथन एज डिस्कशन करथिले। एलिजाबेथन एज होची द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक चैनल रे अछि। एलिजाबेथन एज बाय रश्मि सार ए टू जेड मार्क देखिबो। एलिजाबेथन एज मस्ट देखिबो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नहले ता परवर्ती वीडियो किछि बुझी पारिबो नाही, मन रहिला। तेणु एलिजाबेथन एज परे को एज आसुची से विषय आमे आलोचना करिबा। आमे रेनाजा डिस्कशन करथिले। रेनाजार फास्ट एजटा होउची एलिजाबेथन एज, सेकेंड रे को एज आसुची चलो देखिबा एवं आलोचना करिबा। तो रेना सार, रेना सा बा रेना जा जहाँ कह चलो, रेना सार दुई नंबर जुगटा आसुची जाकोबियन एज। किछि पिलांकर रिक्वेस्ट थिला सार जाकोबियन एज ऊपर डिस्कशन करंतु, सेटा आज डिस्कशन होची। आपर चलिबो आस्ते आस्ते सब चलिबो, तुमानकर जहाँ रिक्वेस्ट थिला सब गोटा कवर हबो। जाकोबियन एज, जाकोबियन एज 1603 रु आरंभ है कि 1625 रे सॉरी थिला। तले 1603 रे कौन हैला? एलिजाबेथ फास्ट कर मृत्यु है थिला 1603, 24 मार्च 1603 मसीहारे एलिजाबेथ फास्ट कर मृत्यु है थिला। एलिजाबेथ फास्ट का मृत्यु परे जेम्स वन शासनभार संभाली थिले, जेम्स वन शासनभार संभाली थिले एवं तांको नाम अनुसारे ए एजटा को आमे जाकोबियन एज बोली कहउचंती। काही कि जाकोबियन कहउचंती जेमियन न कहि कि ना, लाटिन रे जेम्स रो अर्थ जाकोबस, जेम्स को लाटिन रे जाकोबस कहते, सेइत पे जाकोबस अनुसारे जाकोबियन एज है। लाटिन को से गुरुत्व दिखर पाश्चात्य यूरोप रे, पाश्चात्य देश मान लाटिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तर प्राचीन भाषा सबू उत्पत्ति लाटिन रु ही, तेणु लाटिन अनुसार जाकोब्स रु जाकोबियन एज है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो एलिजाबेथ फास्ट जी थी, एलिजाबेथ फास्ट से तो अविवाहित थिले, तांकर पिला पिली नथिले, तले जेम्स वन केमिति आसिले एवं केमिति एटा जाकोबियन तांको ना अनुसार जाकोबियन एज हेला देखिबा। पाने जितेबाला रेनेजा आउ एलिजाबेथन एज मु डिस्कशन करी, गोटे किंग कर ना कही हेनरी आठ, हेनरी एट्थ, तांको समय ही रेनासा इंग्लैंड रे आसतिला। अच्छा, ताले हेनरी एट्थ किए ना एलिजाबेथ फास्ट बापा, तेणु हेनरी एट कर गोटे भूनी थिला, गोटे सिस्टर थिला, नाको ना हला मार्गारेट ट्यूटर, मार्गारेट ट्यूटर हला, ताले हेनरी कर सिस्टर, हेनरी एलिजाबेथ कर फादर, जी एलिजाबेथ को फादर हेनरी आठ, तांकर गोटे भूनी थिला मार्गारेट ट्यूडर। मार्गारेट ट्यूडर स्कॉटलैंड रे मैरिज करथिले, स्कॉटलैंड रे मैरिज करथिले कहाकू ना, स्कॉटलैंड रे मैरिज करथिले जेम्स आइव को, स्कॉटलैंड रो जे राजा थिले
ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଉଡ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପିଉସୀ। ଆଚ୍ଛା ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଥ ଆଉ ମାର୍ଗାରେଟ୍ଙ୍କର ସନ୍ ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ଫିଫ୍ଥ ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଫିଫ୍ଥଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ସିକ୍ସଥ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ହେନରୀ ଏଇଟ୍ଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଥକୁ। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଥ ଆଉ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଉଡ୍ଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ଫାଇଭ୍। ଜେମ୍ସ ଫାଇଭ୍ଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ସିକ୍ସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜାବେଥ ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା କାହାକୁ ରାଜା କରିବା କାହାକୁ ରାଜା କରିବା, ସେମାନେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଥଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ତ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହିସାବ ହେବେ, ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ଜେମ୍ସ ସିକ୍ସଥ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ ସିକ୍ସଥ ଆସିକି 1603 ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତା ରାଜଗାଦୀରେ ବସିଲେ। ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜେମ୍ସ ବସିଲେ ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜେମ୍ସଟା ଜେମ୍ସ ରାଜା ପ୍ରଥମ ନା, ସିନା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ଷଷ୍ଠ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଜେମ୍ସ ୱାନ୍ ବା ଜେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ଜେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିକି ରାଜା ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ, କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଜେମ୍ସ ସିକ୍ସ ସିନା ରାଜା ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଗଲେନି ଜେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟିୟର୍ସ ଆଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ପଡ଼େନି, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେ ଜେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ରାଜା ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଗଲାଣି ସିଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ପୁରା ତାଙ୍କ ରାଜ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ପୁରା ଉଡ଼େଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ପୁରା ବମିଂ କରାହେଇକି, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ତା ନାଁ ହେଲା ଯେଉଁଟା ରେମ୍ସ ୱାନ୍କୁ ପୁରା ବମ୍ରେ ଉଡ଼େଇଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗନ୍ ପାଉଡର୍ ପ୍ଲଟ୍। ଗନ୍ ପାଉଡର୍ ପ୍ଲଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯିଏ କରିଥିଲା ତା ନାଁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଗାଇ ଫକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇନଥିଲେ, ଗାଇ ଫକ୍ସ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ତ ଜେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଶାସନ କଲେ, 1603 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଜାକୋବିଆନ୍ ଏଜ୍। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଜାକୋବିଆନ୍ ଏଜ୍ରେ ଲିଟ୍ରେଚର୍କୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଲିଟ୍ରେଚର୍ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାକୋବିଆନ୍ ଏଜ୍ରେ ଲିଟ୍ରେଚର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ,
एलिजाबेथन एज रे जो राइटर माने थिले सेमाने जाकोबियन एज रे भी बंची थिले सेमाने भी लेखा लेखी करथिले। शेक्सपियर हेले, बेन जॉनसन हेले, एमाने भी जाकोबियन एज रे लेखुथिले। जेहेतु स्पेशियल एलिजाबेथ एज फेमस थिला शेक्सपियर पई, तनो शेक्सपियर को जाकोबियन एज रे पूरा हेउ नाही। आउ एलिजाबेथन एज रे ड्रामा भी फेमस थिला, जाकोबियन एज रे ड्रामा भी फेमस थिला, किंतु यार डिफरेंस कोन? सेही शेक्सपियर एलिजाबेथन एज रे ड्रामा लेखिछन्ति, जाकोबियन एज रे भी ड्रामा लेखिछन्ति, किंतु एलिजाबेथन ड्रामा रे जहाँ लेखिले चलुथला, किंतु जाकोबियन एज रे जो लोक मैंने थिले सेमाने जो ड्रामा होउथला बेसी प्राक्टिकल को पसंद करते, जहाँ समाज में घटुची से प्राक्टिकल जिनस जो ड्रामा आगे देखा हुए सीटा को बेसी पसंद करते। जाकोबियन ड्रामा हो एलिजाबेथन ड्रामा हो आर स्वतंत्र भिडियो बना हम, गोटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट। अच्छा एबे देखिबा लिटरेचर को जीवा, जाकोबियन एज रे जो लिटरेचर लिखा होता क्या उपर लिखा होता ना बेसी सब ट्रांसलेसन कराला, कहीं प्रिंटिंग मेसीन सब बाहर जाता सब लाटिन रु इंग्लीश सब ट्रांसलेसन कराला। से ही समय हीरोइक कपलेट बाहरी एवं भर्स आउ साटार्स लिखा होता, एसे एसे लिखा होता, एसे कहीं एसे ना फ्रांसीस बेकन, फ्रांसीस बेकन फेमस एसे भी से समय लिखा होता, आउ विभिन्न बायोग्राफी से समय लिटरेचर लिखा होता, आउ रिलीजियस राइटिंग से समय लिखा होता। तले जाकोबियन एज रे बड़ बड़ राइटर सब किए थे ना, फ्रांसीस बेकन थिले, जॉन डॉन थिले, बेन जॉनसन थिले, जॉर्ज चैपमैन थिले, फ्रांसीस बेमोंट थिले, जॉन फ्लेचर थिले, रॉबर्ट ब्रूटन थिले। ए माने मुख्यतः आउ तो सह सह संख्या अछंती, ए माने हेले मुख्यतः लिटरेचर क्षेत्र रे कहय गले एई सब विषय रे जाकोबियन एज लिखा होतला, एवं ए माने सब मुख्यतः मुख्य लोक सब थिले, राइटर माने थिले। जाकोबियन एलिजाबेथन एज जो राइटर थिले सेमाने भी जाकोबियन रे पहुंचे थिले, सेमाने भी लेखुथिले। तेणु एई समय रे आउ गोटे मुख्य, एई समय रे आउ गोटे मुख्य जिनस संघटित होता कौन, पोएट्री क्षेत्र रे दले पोएट बाहर थिले, सेमानक नाम है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट्री रो उत्थापन एही समय ही होता। जाकोबियन एज रे दले कवि बाहर थिले, सेमानक मेटाफिजिकल कवि कहते, मेटाफिजिकल पोएट्री एही जाकोबियन एज रे ही बाहर थिला। एवं मन रख मेटाफिजिकल पोएट्री उपर स्वतंत्र गोटे स्पेशल वीडियो बना हबो, एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट, जानि पाइलो? तो आम आज आलोचना कले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो रेनाजर द्वितीय एजटा जाकोबियन एज, से एलिजाबेथ मला परे जाकोबियन केमिति हला, कौन केमिति हला, एवं ता लिटरेचर कौन कौन लेखा होता, तार मुख्यतः सब राइटर माने कौन थिले, ए विषय आज आम सम्यक आलोचना कले। तेणु मन रखिबो केमिति स्कॉटलैंड रो जेम्स सिक्स केमिति आसिकी इंग्लैंड रे जेम्स वन हेले। तेणु पिला माने मोर यही भिडियोटी तुमको जदि भल लगे लाइक कर, तले कमेंट कर, सारे भल लगला। एवं मोर पारु पर्यंत जी जाने खूब भावुँ तुमको जी पढ़ाऊँ से तुम्हें जथेष हो नपे, तेणु किटार तुम डाउट क्लीयर हो पार, तेणु यही आशा रखिक मुझे भिडियो बनाऊँ लिटरेचर पाई। तेणु लाइक कर वीडियो को, कमेंट कर सर भल लगला, लाइक कमेंट कले मत गोटे एनर्जी आसे जे हाँ मु पाने मत पसंद करुँचरी वीडियो बनेबी। एवं रश्मि सर ए टू जेड चैनल को सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट क्लास रे आम रेनाडर जो तृतीय एजटा अच्छी कारोलाइन एज से विषय आम आलोचना करवा। आज ये पाने रोची, हाव ए गुड डे।